आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। डोईवाला विधानसभा के थानों क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा अस्पताल के उच्चीकरण की मांग को लेकर लंबे समय से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के तहत थानों के ग्रामीणों ने रैली निकाली और सरकार से मांग की कि अस्पताल की गुणवत्ता सुधारी जाए। हमने रैली निकाली है और इस रैली के द्वारा हम पूरे प्रशासन को, उत्तराखंड सरकार को, हम ये चेताना चाहते हैं कि सरकार ये हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले। ये हमारी मूलभूत मांग है, ये मूलभूत सुविधा हमको मिलनी चाहिए और ग्रामीण इसके लिए काफ़ी समय से जो है प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमें क्या यहाँ पर थानों में मतलब ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई अगर किसी को परसों पीड़ा उठे तो यहाँ जाने के लिए जंगल का रास्ता है, कोई हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है और जंगल में हाथियों का डर अलग है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव के पास ही एक हॉस्पिटल ऐसा हो जहाँ छोटी मोटी सुविधाएँ अपने कोई परसों हो सके और किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए उपचार हो सके, हर चीज़ की सुविधा हो। ग्रामीणों ने कहा कि इस अस्पताल को एम्स से मुक्त किया जाए। थानों के ग्रामीण महिला पुरुष ग्राम विकास समिति के बैनर तले लगातार इस अस्पताल के उच्चीकरण की मांग कर रहे हैं। 1939 में इसकी स्थापना हुई थी, 26 ग्राम सभाओं का हॉस्पिटल है और 100 से ऊपर की गांव हैं इसमें। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ की महिलाओं को बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है, गर्भवती महिलाएँ उधर से कैसे आएँ, किस तरह से आएँ, वो बड़ी परेशान रहती हैं। उनको अगर खाट में कुर्सी में बांध करके लाओ भी, लेकिन यहाँ आकर के उनको हताशा निराशा मिलती है और उनको जब तक देहरादून या ऋषिकेश ले जाओ तब तक कुछ भी उनके साथ वो घटना घट सकती है। आपको बता दें, थानों के पहाड़ी क्षेत्र से आने वाले लोग जब कड़ी मशक्कत कर मरीज को लेकर यहाँ अस्पताल पहुँचते हैं तो सही उपचार न मिलने की वजह से मरीजों को देहरादून और ऋषिकेश उपचार के लिए जाना पड़ता है। डोईवाला से आशीष यादव। आस्था है।